अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको Hey guys, Assalamualaikum, I'm Sana Wan and welcome back to another video. So guys, आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आप प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ग्लैमरस फेस की प्रोडक्ट, जो कि छोटी सी टाइनी सी प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू दूंगी, इसको अप्लाई करके आपके साथ बताऊंगी किस तरीके से इसको आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं, देर नहीं कर। तो गाइज, ये है ग्लैमरस फेस का कंसीलर कवर स्टिक है, जो कि है ग्लैमरस फेस की, जिसको मैंने शेड लिया है, लाइट शेड लिया है। इसको मैंने नॉर्मल मार्केट से परचेज़ किया, ईजिली अवेलेबल है, हर कहीं से आपको एक ग्लैमरस की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। इसके प्राइस कोई तकरीबन होंगे 150-200 तक के इसके प्राइस हैं। तो मैंने इसको परचेज़ किया, मैंने कहा यार हम और कंसीलर वगैरह कवर स्टिक्स यूज़ करते हैं तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये चीप रेट में हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। इस तरीके की वाइट कलर की ये पैकेजिंग में अवेलेबल है, जिसकी लिपस्टिक फॉर्म में पैकेजिंग है। यहाँ से आप रोटेट करोगे और ऊपर से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, इतनी सी इसकी क्वांटिटी है। कवर स्टिक है, इसका शेड आप देख सकते हो, लाइट शेड मैंने इसको परचेज़ किया है। मैंने एज अ कंसीलर के लिए इसको परचेज़ किया है। इसका ऊपर एक कैप दिया गया है। अगर आप इसको परचेज़ करते हो एज अ करेक्टर के तौर पर, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो, कवर स्टिक है और आप जो है कंसीलर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हो। इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, नॉर्मल जिस तरह आप यूज़ करते हो आईब्रोज को क्लीन करने के लिए या फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले करेक्टर के तौर पे आप इसको यूज़ कर लो तो अमेजिंग होगा इसको अप्लाई करना। और इसको ज़रा मैट फॉर्म में है, मैंने इसको इतना ज़रा सा चेक किया है, मैट फॉर्म में जल्दी से मतलब ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ड्राई स्किन वाले इसको ना लें, ऑयली स्किन वालों के लिए अमेजिंग है। हल्का सा मैट फॉर्म में, स्टिक फॉर्म में, मैट फॉर्म में, तो मुझे ये इसकी जो बात है वो मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छी नहीं लगी। बट मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, ऑयली फ्री मतलब ऑयली जो फाउंडेशन होते हैं हमारे ड्राई स्किन वालों के लिए, उनके ऊपर अप्लाई करूँगी तो ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा, मुझे इतना लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब इस वीडियो में बताती हूँ। आगे चलते हैं और वीडियो की क्लिप। तो गाइस, ये मैंने स्टिक लिया और इसको मैं आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये मैट फॉर्म में है, आईलिड के ऊपर अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ड्राई से रफनेस से फील हो रही थी। समर्स के लिए ये सही है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी आप इसको एज अ आई बेस के तौर पर इसको यूज़ करें। इसकी कवरेज आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग कवरेज है, जस्ट आई बेस के लिए इसको अप्लाई करना इनफ होगा। अदरवाइज अंडरनीथ ऑफ योर आईज और नोज पे और हाईलाइट के लिए ये इतनी अच्छी मतलब वर्क नहीं करेगी। जस्ट कवरेज के लिए, जस्ट बिफोर अप्लाइंग आई शेड एज अ आई बेस आप इसको अप्लाई करें और इसको ब्लेंड करके, ब्लेंड जो है वो ये ब्रश से होगा, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज ये था इस ग्लैमरस फेस का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना एंड दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।